Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I, Surbhi Gupta, welcome you all in our Mission CUET 2024 series, जिसके हम पार्ट 25 पे आ चुके हैं गाइस। यानी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है इस नाम से, इसमें जाओगे सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। ऑल्सो इस वीक का थीम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो मी प्लीज रीड पॉज एंड अगर और जानना है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, दिस इज माई सीयूईटी स्कोर कार्ड एवरीबडी, आप देख सकते हो मेरा ही नाम है, एनटीए से आया है, 2023 में मैं अपीयर हुई हूँ, इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट था एंड 100% आई। यानी एज अ टीचर आई वॉन्टेड टू चेक इफ आई एम एबल टू एड करेक्ट वैल्यू इन योर लाइफ एंड येस इट प्रूव मी राइट, सो दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट मी एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन स्कोरिंग दिस 100% आई। यानी आपकी स्कोर कार्ड भी ईको में ऐसी ही दिखने वाली है, ठीक है। एजेंडा ये है, पॉज कर लो, रीड कर लो। सिलेबस बैलेंस ऑफ पेमेंट का है क्योंकि हमारा इस वीक का थीम यही है। ये मिला कहाँ से मुझे, पूरा या सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है cvt.samarth.ac.in पर है एंड बेस्ट सोर्स है हमारा एनसीईआरटी, ठीक है। देन लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस अब्रॉड इज क्लासिफाइड अंडर विच सेगमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सॉफ्टवेयर सर्विस बेची है, सर्विस है, ठीक है, तो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में भी सॉफ्टवेयर सर्विस बेची है, पैसे आए हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। पैसे जब भी आते हैं वो क्रेडिट में जाता है, ठीक है। सेल की है ना, सर्विस बेची है उसके बदले पैसे आए हैं, तो करंट अकाउंट एंड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ओके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ट्रेड एंड सर्विसेस कहाँ पर होता है आपका, करंट अकाउंट। Then difference between value of exports and value of imports of goods of a country is known as balance of trade. ठीक है, कैसे, एनसीईआरटी देख लो, difference between value of exports and value of imports of goods of a country in a given point of time. Direct line pick कर ली, question बना दिया और answer आपको पता है balance of trade, BOT. ठीक है, then next question, receipts of loan from abroad. Receipts of loan. लोन आया है, लोन आपने लिया है, ठीक है, तो पैसे तो आए हैं, क्रेडिट है ये, ठीक है, क्रेडिट है, पैसे तो आए हैं, लेकिन क्रेडिट कहाँ पर है, क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लोन है, असेट्स, लोन, इनसे रिलेटेड कैपिटल अकाउंट जाता है, तो पहले तो कैपिटल अकाउंट हमें पता है, तो इसको हटा दो। और फिर रिसीट है, ठीक है, रिसीट मतलब लोन लिया है तो पैसे आए हैं, क्रेडिट दोनों ही ऑप्शन वैसे ये है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, बट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आई थिंक लोन्स का दिया है, या लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन आउटफ्लो होता है एंड इनफ्लो होता है रिसीट्स ऑफ लोन, ठीक है, कैपिटल इनफ्लो यानी क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन, ट्रेड सरप्लस डीवैल्यूएशन ट्रेड डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हाट आई नो, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री। तो डी जो है वो 4 है, देखिए एलिमिनेट हो रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं एलिमिनेट, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है बस, डी 4 है, ठीक है। और ऑप्शन पे आते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ओवर रिसीट्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहां पर भी आपको दो तीन चीजें दी है, ट्रेड सरप्लस एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट्स। ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा करे आपने एंड इम्पोर्ट आपके कंपैरेटिवली कम हुए हैं। ऐसे ही फॉल इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ये होता है डी वैल्यूएशन। तो बी जो है आपका 3 है, बी 3 आते ही कोई एलिमिनेशन हो रहा है, B3, यस, B3 आते ही आपका एलिमिनेशन हो गया है, आपके करेक्ट आंसर है A2, ट्रेड सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एंड डी वैल्यूएशन आपको पता है ट्रेड डेफिसिट क्या था, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एवरीबडी। If you want to score 100% you're liking my videos, then आपके लिए sprint batch आ रहा है जहाँ पे आपको मुझसे पढ़ने को मिलेगा। Every Monday to Friday we will have a class on Zoom, online classes होंगी ये, 1 April से आपको मिलेगा। And इसमें मैं आपको पूरा पूरा CUET का syllabus कराऊंगी, जितने previous year questions बच गए YouTube पे नहीं है वो सारे मैं आपको कराऊंगी, मॉक्स होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ और स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी टू स्कोर दैट 100%। जैसे मेरी स्कोर कार्ड है वैसे आपकी स्कोर कार्ड भी टिप्स के लिए, ठीक है। इंटरेस्टेड है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड एनरोलिंग। इस ईमेल
आईडी पे यानी सुरभि गुप्ता 0705@gmail.com पे प्लीज आप इंटरेस्टेड लिख के भेजिए एंड देन आई विल कनेक्ट विद यू. एनरोल अगर आप 15 फरवरी से पहले करते हैं गाइस तो आपको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा. ऑल्सो एक 1-on-1 स्पेशल बोनस सेशन मिलेगा जहां मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी टू स्कोर योर बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम. ओके थैंक यू सो मच एंड इफ यू एनी कॉमेंट प्लीज लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज हैवंट सब्सक्राइब गाइज. सो एक रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा है उस पर, उसको प्लीज प्रेस करो. आपको सिर्फ कुछ सेकेंड्स चाहेंगे बट मेरे लिए एक एक सब्सक्राइब प्रेस करना आपका बहुत मैटर करता है. मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा कर दो. एंड हार्ट छोड़ के जाओ अगर आप वीडियो के एंड तक आए हो, क्योंकि जो हार्ट छोड़ेगा मुझे पता है कि उसने एंड तक वीडियो देखी है. ओके एंड कीप शेयरिंग द कॉन्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग. इस वीक का बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा ओवर होते ही मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी खत्म हो गई है. नेक्स्ट वीक से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पे आएंगे तो हम आगे की यूनिट्स कवर करेंगे. एंड ऑल्सो कल आपको देखने को मिलेगा इस वीक का पूरा वीकली इकोनॉमिक अफेयर्स का राउंड अप. सो स्टे ट्यून्ड एवरीबडी, आई विल सी यू टुमारो एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय.